हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज की इस वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप कैसे अपने लैपटॉप या फिर पीसी में चेक कर सकते हो कि आप में यहाँ पे एसएसडी लगा हुआ है या फिर एसडीडी लगा हुआ है। इसको आप कैसे चेक कर सकते हो, सॉलिड स्टेट ड्राइव आप में लगा हुआ है आपके लैपटॉप में या फिर कंप्यूटर में, या फिर आपके कंप्यूटर या फिर लैपटॉप में हार्ड डिस्क ड्राइव लगा हुआ है। तो इसको चेक करने के लिए सिंपल दोस्तों, सबसे पहले आपको करना क्या होगा, विंडो प्लस आर क्लिक करना होगा, रनबॉक्स यहाँ पे ओपन करना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे सर्च करना होगा DFRGUI, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं DFRGUI। इसलिए आप इसको यहाँ पे क्लिक टाइप करके उसके बाद ओके पे क्लिक करते हो। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का एक ऑप्टिमाइज ड्राइवर जो है ओपन होगा। एंड उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो मीडिया टाइप में, तो CD और सिस्टम रिजर्व्ड देख सकते हो यहाँ पे, हार्ड डिस्क ड्राइव और हार्ड डिस्क ड्राइव। तो यहाँ पे दोस्तों अगर सॉलिड स्टेट ड्राइव होता है, यहाँ पे लिखा हुआ था SSD यानी सॉलिड स्टेट ड्राइव लिखा होता, तो यहाँ पे हार्ड डिस्क ड्राइव लिखा हुआ है। इसका मतलब यहाँ पे मेरे जो है लैपटॉप है, इसमें जो है हार्ड डिस्क ड्राइव ओनली यहाँ पे लगा हुआ है। और कोई अगर सॉलिड स्टेट ड्राइव होता तो यहाँ पे सॉलिड स्टेट ड्राइव भी लिखता। तो बस ये एक तरीका जो कि आप यहाँ से आप चेक कर सकते हो कि आपके लैपटॉप या फिर पीसी में कौन सा यहाँ पे SSD लगा हुआ है या फिर SSD लगा हुआ है।